हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो मैं पंकज और आप लोगों को लेकर आया हूँ आज ग्वालियर के टॉप मोस्ट टूरिस्ट प्लेस, जिसमें से ये है सन टेंपल। आप लोगों को दिख ही रहा होगा ये सन टेंपल, बिल्कुल कोणार्क वाले सन टेंपल जैसा दिखता है। और आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे, इसको एक्सप्लोर करें। तो मेरे साथ बने रहें लास्ट तक, वीडियो को लास्ट तक देखें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। ये जो सन टेंपल है वो ग्वालियर का टॉप मोस्ट टूरिस्ट प्लेसों में से आता है एक। इस टेंपल का निर्माण जी डी बिरला, जिनकी छतरी यहाँ पे बनी हुई है, इन्होंने करवाया था 1988 में। तो यहाँ पे दो छतरी बनी है, एक इस साइड बनी है ये जी डी बिरला जी की बनी हुई है, एक इस साइड बनी है ये महादेवी बिरला की बनी हुई है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो ये वाला स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर बिल्कुल सूर्य भगवान के रथ के जैसा है। तो रथ के जैसा है, उसमें पहिए भी होंगे और घोड़े भी होंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर जो पहिए हैं वो कहाँ पर हैं और घोड़े कहाँ पर हैं। तो अभी आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर भगवान के रथ के पहिए को रिप्रेजेंट करता है। और ऐसे स्ट्रक्चर पूरे मंदिर में 24 हैं, तो ये 24 हवर को भी रिप्रेजेंट करता है। आप ये देख रहे हो, ये पूरा का पूरा मंदिर रेड सैड स्टोन से बना हुआ है, और ये मंदिर अंदर से मार्बल से बना है। तो ये अंदर से और बाहर से बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसके बाद में अब जब रथ है, इसको चलाने के लिए घोड़े भी चाहिए। तो इसको चलाने के लिए जो घोड़े हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप ये देखें, तीन घोड़े इस साइड हैं, चार घोड़े इस साइड हैं। अब डे हो गए, हवर्स हो गए, तो चक्र थे वो हवर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और जो हॉर्स थे वो नंबर ऑफ डे को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब बचता क्या है, बचता है नंबर ऑफ डेज विच इज़ 365। तो उसके लिए भी यहाँ पे कुछ है। तो आप स्ट्रक्चर पे देख सकते हैं, उसके चारों साइड देखोगे तो भगवान जी की बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जैसे कि एक गणपति बब्बा जी की बनी है। ऐसे ही ये नंबर में काउंट किए जाएंगे तो 365 ही होंगे। इस मंदिर की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो सनराइज होता है मॉर्निंग में, तो उसकी जो सबसे पहली किरण होती है ना, वो भगवान जी की जो प्रतिमा बनी है उसी को स्पर्श करती है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। आज के वीडियो को यहीं पे करते हैं, ओके बाय।